लंदन पार्लियामेंट की ओर से बंगाल प्राइड के रूप में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली और भाजपा नेता सह प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को सम्मानित किया गया। वहीं एक और शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित स्थानीय नागरिकों एवं उनके शुभचिंतकों ने उनके हाथों में यह पुरस्कार सौंपा। इस दिन एक कार्यक्रम में उपस्थित दिलीप घोष के शुभचिंतकों ने उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी। আর ওখানে গেলে হয়তো সবাই সুযোগ পেত না, সেই জন্য এখানে আয়োজন করা হয়েছে। যাই হোক, যে কোনো ভাবে হোক আজকে সবাইকে মিলিত হওয়ার একটা সুযোগ এসেছে। আমরা এসেছি এখানে সকাল থেকে, আমিও ঘোরাঘুরি করছিলাম, এখন সেই জোকার থেকে ওদিক থেকে আসছি দূর থেকে, তাহলে সবার সঙ্গে দেখা করার জন্য। প্রাইজ তো চাইতে না চাইতে অনেক সময় পাওয়া যায়, আমি যাইও নি, স্বীকার করার চেষ্টাও করিনি, কিন্তু যারা ঠিক করেছিলেন তারা প্রাইজ দিয়ে দিয়েছেন, সে এখান থেকে ওদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের একত্রিত হওয়ার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন তার প্রাইজ দিয়ে, এটাই আমাদের কাছে বড় পাওনা। যারা যারা এসছেন এখানে, সবার সঙ্গে আমার হয়তো ব্যক্তিগত পরিচয় নাই, ওনারা হয়তো আমাকে জানেন, এই সুযোগে সবার সঙ্গে পরিচয় হবে। আর নিশ্চয়ই ভোজনের ব্যবস্থা আছে, খাওয়া দাওয়া হবে, সবাই খেয়ে যাবেন। আগামী দিনে হয়তো আরও ভালো কোনো ঘটনার জন্য আমরা একত্রিত হব, সেই আশা রেখে ছোট বড় যারা আমাকে স্বাগত করেছেন, সবচেয়ে ছোট এবং আমার মধ্যে সবচেয়ে বড় বয়সে, সবাইকে আমার নমস্কার, ধন্যবাদ। যারা আজকে সবাইকে এখানে মিলিত হওয়ার জন্য আয়োজন করেছেন তাদেরও ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। आयोजकों में गुलाब सिंह ने बताया कि व्यस्ततम दिनचर्या के कारण दिलीप घोष लंदन नहीं जा पाए, उपस्थित होकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, यह हमारे लिए एक गौरव का विषय है। लंदन पार्लियामेंट में एक प्रोग्राम हुआ था बंगाल प्राइड अवार्ड करके, बंगाल से दिलीप घोष और सौरभ गांगुली दो जन को बंगाल प्राइड अवार्ड मिला था। उसमें बंगाल प्राइड अवार्ड दिलीप घोष को मिला था, जो कि उसमें अवार्ड में लिखा हुआ बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर। तो लंदन में जो कि पार्लियामेंट चल रहे थे, दिलीप तो नहीं जा पाए थे, उनके बिहार में जाके कोई लाया था, अवार्ड जो है कलकत्ता आया है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो वेल विशर्स ऑफ दिलीप घोष है लगभग 200-250 आदमी को इकट्ठा करके हम लोग खुशी के माहौल में, क्योंकि हम लोग जो वेल विशर्स ऑफ दिलीप घोष हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि सिर्फ बंगाल में जहाँ स्ट्रगल हो रहा है, जहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं, बंगाल से बाहर निकल के, भारत से बाहर निकल के आज इंग्लैंड में, लंदन में भी उनको सम्मान मिल रहा है। वहाँ के लोगों का भी यही कि टर्निंग पॉइंट है, इसीलिए हम लोगों ने वेलविशर ऑफ दिलीप घोष ये करके कि हम लोगों ने एक गर्व का, एक आनंद, एक पारिवारिक माहौल में खुशी मना रहे हैं कि उनको एक ऐसा अवार्ड मिला है, जो कि हम लोगों के लिए गर्व की विषय है। आयोजक पृथ्वीराज दास ने बताया कि आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस पालन किया गया, साथ ही दिलीप घोष को भी सम्मानित किया गया। ये प्रोग्राम हम लोग विश्वकर्मा पूजा के बाद एक गेट टुगेदर कर रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो उसका सब हम लोग आज मोदी जी का 69 जो बर्थडे है उसका सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, देश भर जो चल रहा है। और दिलीप जी का जो बंगाल प्राइड का जो लंदन से अवार्ड मिले, वो अवार्ड का यहाँ दिया जाएगा, उसका भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इस दिन इस मौके पर महानगरवासी मनमोहन बागड़ी, नारायण संथालिया, प्रमोद जैन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कोलकाता से अमित कुमार की रिपोर्ट, युवा शक्ति। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।